हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो पर रैपर पे आपको 300-350 रुपए दे रहा है। और यदि आपने जो 10-12 बंदों को भी रैपर कर दिया तो आपको कहीं नहीं गए 3,000-4,000 रुपए। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा तक देखे, मैं आपको पूरी एक लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ और अपनी जो लाइव अर्निंग है वो भी आपको शो करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा तक देखें और जो जो चीजें बता रहा हूँ इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। यदि जो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो रैपर और अर्निंग से रिलेटेड होते हैं और बहुत सी अर्निंग आप घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जो जो चीजें बता रहा हूँ उसे फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेते रहें। हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो पर रैपर पे अभी 300-350 रुपए दे रहा है और इसके साथ में लाइफ टाइम अर्निंग दे रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐप है। इस ऐप्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, पर इसका नाम क्या, पहले आपको ये चीज बता देता हूँ। मार्केट वॉल एप्लीकेशन है और इसमें जो आपको रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग भी बहुत अच्छी है और डाउनलोड भी आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और इससे जो ऐप में रजिस्ट्रेशन करके और पर रैपर पे आपको 300-350 रुपए कमा सकते हो। यदि आपने जो 10-12 बंदों को भी अपने फैमिली में या किसी दोस्त को भी शेयर कर दिया तो आपके कहीं नहीं गए 3,000-4,000 रुपए। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इस ऐप के बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ और मैंने खुद इतने कितना कमाया है वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को और अंत तक देखें, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देख लें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही आपके वीडियोस डेली शेयर करता रहता हूँ जो आपके लाइफ टाइम अर्निंग से रिलेटेड होते हैं और रेफर और अर्न के माध्यम से बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो करना ये है कि सबसे पहले इसमें जो अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और इसके बाद में अपने दोस्तों को रेफर करना पड़ेगा और रेफर करने के बाद जो भी बंदे डाउनलोड करेंगे आपके इस लिंक से तो उन बंदों को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो 300-350 रुपए मिलने वाला है। इस वीडियो को पूरा तक देखो कैसे इसमें डीमैट अकाउंट क्रिएट करता हूँ मैं और कैसे इसका प्रोसेस रहता है। तो पहले इसमें जो आप बात कर रहे थे कि डीमैट अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो पहले जो आपका होना चाहिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, ये तीनों चीजें आपके पास में हैं तो आप 100% अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ में आपका एक ईमेल आईडी भी जरूरी है। तो पहले जो आपको क्या करना है कि डिस्कॉक्स में लिंक दे रखे हैं, लिंक पर क्लिक करना है और जो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको प्ले स्टोर जब ओपन होता है तो आपको डाउनलोड कर देना है इस मार्केट वॉल एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को जैसे ही जो ओपन करते हो तो आप ओपन करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो ऐसा ओपन दिखता है। तो उसके बाद आपको चेक करना है, आपको बताता हूँ। ऑलरेडी जो आपको डिस्कॉक्स में जो लिंक दे रखे हैं लिंक पर क्लिक करना है। सिंपली लिंक क्लिक करोगे तो जैसे ही जो आप इस प्ले स्टोर पर ओपन हो जाओगे, प्ले स्टोर पर ओपन होने के बाद आपको ओपन डाउनलोड करना है इसे जो ऐप्स को, ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद जिससे सिंपली जो ओपन वाला क्लिक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जो ये ऐप्स ओपन होगा, ओपन होने के बाद आपको इंटरफेस ऐसा देखने को मिल जाएगा। इंटरफेस ऐसा देखने को मिलता है तो आपको सबसे टॉपिक ध्यान रखना है कि जो मुझे ओपन ट्रेडिंग अकाउंट करना है, यानी जो थर्ड ऑप्शन होता है इस पर आपको क्लिक करना है। सिंपली जो आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, इस पर ही आपको क्लिक करना है और जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप वहाँ पर करते हो तो आपको जो वहाँ पर सिंपली आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। जो भी आपके मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से और बैंक से लिंक है वही आप यहाँ डाल देना। कोई भी आपका फ्रॉड नहीं होगा, कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, ये 100% एकदम सही ऐप्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसे तक होकर डालिए, मैं भी डाल देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पर डालने के बाद एक आपके OTP आएगा मोबाइल नंबर पर। OTP आने के बाद वहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। सिंपली यहाँ पर 4 डिजिट के OTP आने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपका एक 4 पिन पूछा जाएगा, यानी आप जो भी डाल सकते हो अपने हिसाब से। इसका पासवर्ड रहेगा, इस ऐप्स का लॉगिन करने का एक आईडी बोल सकते हो आप, वो आपको मिलेगी। तो ये जो 1, 2, 3, 4 जो भी है आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो आप डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आपको जो वापस पूछा जाएगा कि री एंटर पिन, यानी जो आपने अभी डाले पिन वही वापस आपको एक बार फिर से इसमें डालना होगा। डालने के बाद कन्फर्म करके आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप यहाँ पे करते हो कंप्लीट तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाती है। उसमें आपको पूछा जाएगा कि पर्सनल डिटेल्स, इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स में सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा जन्म तारीख, यानी जन्म तारीख जो भी आपके आधार कार्ड में और पैन कार्ड में है वो सेम आपको जन्म तारीख यहाँ पे फिलअप करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप वहाँ पर करते हो तो उसके बाद में जो पर्सनल डिटेल्स आ जाता है और यहाँ पर आपको जो क्या करना है कि जो भी आपका नाम है सही सही आपको नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद में लास्ट टाइम आपको डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। देन जैसे आपका वो कंप्लीट होता है तो आपको पर्सनल डिटेल में ही आपको ईमेल आईडी भी पूछी जाएगी। तो ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। देन जैसे आप वहाँ पे कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल्स पूछी जाएगी। तो पैन कार्ड डिटेल में जो भी आपके पैन कार्ड नंबर है सिंपली यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे पैन कार्ड एकदम सही सही डालना, कोई भी मिस्टेक मत करना क्योंकि हो सकता है कि आपको वापस फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो प्लीज़ जो जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो सही से यहाँ पे फिलअप करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना।
देन जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो आपको एक और डिटेल पूछी जाती है, जो आपके मम्मी का नाम और पापा का नाम है, जो एकदम कन्फर्म करूँ जो आपके आधार कार्ड में है सही डिटेल्स हैं वही यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ एंटरफेस ऐसा देखने को मिल जाएगा जो पर्सनल डिटेल्स रहेगी। इसमें जो सारी डिटेल्स आपको जो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, यानी आपका जो जेंडर क्या है, आपके जो मेरिट स्टेटस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, आप क्या करते हो, और जो आपका इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में या जो पहले कोई जो किसी ऐप्स में आपको कोई ट्रेडिंग की है तो कोई एक्सपीरियंस है आपको, यानी नॉलेज है नहीं है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपका आधार कार्ड एड्रेस पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है सेम यहाँ पे जो डालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे पिन कोड भी आपको डालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। देन आपका ये भी कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाना है। यहाँ पे आपके जो बैंक डिटेल्स पूछी जाएगी, जो भी आपके बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे, उसके बाद में IFSC कोड जो भी है आपको डालने होंगे, और ये जो आपका होने के बाद तुरंत ही आपके जो बैंक अकाउंट को कंफर्म करने के लिए ₹1 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, आपको मैसेज भी मिल जाता होगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना, और देन आपको यहाँ पे एक लिखा आएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप ब्रोकिंग ₹0 चार्जिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट या कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। ये जो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखता है इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट है इस पर आपको सेलेक्ट करना है, यानी आपका जो सबसे पहले जो आपको सेल्फी लेनी है, जो भी आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके आपको सेल्फी लेनी है, उसके बाद पैन कार्ड का फोटो लेना है, उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपका जो आधार कार्ड का फोटो लेना है, बैक और फ्रंट दोनों का फोटो लेने के बाद अपलोड कर देना है। बैंक डिटेल्स हैं इसमें वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से जो यहाँ पे बैंक प्रूफ मांगा जाएगा, जो आप कैंसिल चेक दे सकते हो या आपके बैंक की फ़ोटो है उसको जो फोटो खींच के बैंक डायरी की फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप आती है जो IPV वीडियो बनाना है, यानी जो ये चेक किया जाता है कि आपका जो कोई रोबोट तो नहीं हो, या जो भाई कई बार जो फ्रॉड करने के लिए जो रोबोट से या कंप्यूटर से जो ऐसा कुछ किया जाता है, तो आपको कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर जो IPV वीडियो बनाना होगा। कैसे बनाना मैं आपको बता देता हूँ। सिंपलता आपको करना ये है कि जो आपको इसको नेक्स्ट करना है, और जो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक आपके कुछ भी है जो आ जाएगा, है ना, ये 30 है, 40 है, 50 है, या 29 है, या 30 है, कोई भी यहाँ पे नंबर आता है, उन नंबर को यहाँ पे बोलना है। सिंपली आप जो स्टार्ट वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, और आपके पास में जो एक बोलने का ऑप्शन आ जाएगा, और आपको सिंपल बोलना है, 30 है तो 30 बोलना है, 40 है तो 40 बोलना है, वीडियो बनेगी आपकी और 3 सेकंड की बन जाएगी और ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, ठीक है। देन जैसे ये होते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसे देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपको नए पेज ओपन हो जाएगा आपके पास में, ऐसा पेज कुछ ओपन होगा आपके पास में, और ऐसा पेज ओपन होने के बाद में ई साइन बोला जाएगा, तो ई साइन पे आपको क्लिक करना है कि रिव्यू नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। देन जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो यहाँ सारी डिटेल्स पूछी जाएगी, और एक और चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कई बार जो होता है कि जो ई साइन बोला जाता है, ई साइन आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर से लिंक जो होता है उनके पास में OTP आता है, OTP जो आने के बाद आपको वेरीफाई करना होता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो, आप जो अपना जो भी आधार कार्ड नंबर आता है NSDL साइट पे जाएगा, उसके बाद जो आधार कार्ड का जो भी नंबर है वो आपको डाल के अपना OTP आता है, OTP को डाल के वेरीफाई कर देना है, उसके बाद में ई साइन कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी नहीं होता है तो आपको रिव्यू पे कनेक्ट करने के बाद आपको जो इस नेक्स्ट स्टेप आना है, ये हो जाने के बाद आपको देखो कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लास्ट स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको जो प्रोसीड जो ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ये अकाउंट एकदम सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। इसके बाद में ये एक लास्ट स्टेप होती है कि ये जो आपका अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन होने के लिए OTP भेजा जाएगा लास्ट स्टेप में, जो मोबाइल नंबर है उन नंबरों पर और ईमेल आईडी पे एक मैसेज आ जाएगा, तो ये मैसेज आता है तो आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, तो ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने एक बार बोला है कि आपको ई साइन के लिए बोला जाता है, तो कई बार ये पहले बोल देता है, कई बार बाद में बोल देता है, तो आपको ई साइन पहले कर देना है, और यदि बाद में बोलता है तो बाद में भी आपको कर देना है। तो यहाँ पे जो करना ये है कि जो आपको ई साइन के लिए बोला जाता है तो ई साइन आपको कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे लिखने का जो एक आता है ना ड्रॉ बोलते हो, या जो आप अपने हिसाब से जो भी साइन है वो आपको यहाँ पे हाथ से ही साइन करने होंगे, उसके बाद में जो आपको सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देना है, ठीक है। ये जो हो जाने के बाद आपको जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो चुके हैं, अब करना ये है कि आपको 2-3 दिन का वेट करना है, 2 या 3 दिन, या ज़्यादातर कई बार में तो एक बार ही हो जाता है, एक दिन भी हो जाता है, कई बार 2 दिन में आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है और अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। तो खुलने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको आगे का प्रोसेस भी बता देता हूँ। देन गाइस, जैसे ही जो आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन होता है, तो ओपन करने के बाद इससे जो इस ऐप्स को ओपन करना है,
ओपन करना है और जो यहाँ पे देखना है कि जो क्या लिखा रहा है। तो सबसे पहले जो आपको यही देखने को मिलेगा कि आई हैव ए ट्रेड टू बैंक अकाउंट या NFT। तो यहाँ पे जो 200 रुपये आपको निफ्टी पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो ऑई जो ओके आई विल ट्रैक पे है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही इसे जो ऐप्स को ओपन करोगे और उसके बाद में जो आई एक्सेप्ट क्लिक करके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाओगे, तो ये कुछ इंटरफेस आपका इस ऐप्स का ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको आना है, नीचे आना है, इसमें आपको राइट साइड में आपको ऐड फंड वाला सेक्शन दिखता है ना, इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली ऐड फंड पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाना है। जैसे ही कहते हैं जो ऐड फंड पर क्लिक करते हो, उसके बाद में आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, यानी जो आपको कम से कम मिनिमम 100 रुपये आपको ऐड कर देना है। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि जो ये बहुत से बंदों के साथ ऐसा होता है कि कई बार जो उनका ये जो अमाउंट होता है रेगुलर अमाउंट वो मिल नहीं पाता है। तो आपको करना ये है कि जो आपको यहाँ पे 100 रुपये ज़रूर ऐड कर देना है और इसके बाद में फर्स्ट ऐड कर देना है, उसके बाद में जो भी पैसा होता है वो विड्रॉ कर देना। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो गाइस करना ये है कि जो आपको यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे 100 रुपये मिनिमम ऐड कर देना है। ऐड कर सकते हो आप ये जो फोनपे हैं, पेटीएम हैं, जो अपने फ़ोनपे, गूगल पे, किसी से भी आप जहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और इसमें जो ऐड करने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि देखो कई बार बहुत से बंदों के साथ ऐसा होता है कि जो उनको रेफरल जितने भी करते हैं उनका अमाउंट नहीं मिल पाता है, रेफरल का लिंक नहीं मिल पाता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पे अपना चाहो तो इसमें 100 रुपये ऐड कर सकते हो और आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, एक बार ध्यान में रखना। ठीक है, और जो आपका इसमें से कंप्लीट होता है, यानी जो आपका अकाउंट और जो बंदों के जो साथ में रेफर कर रहे हो वो सब आपका दिखने लग जाता है, तो आप अपने इस 100 रुपये को भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसमें 100 रुपये ऐड करके उसके बाद में क्या करना है, मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी देखो मेरे जो 100 रुपये इसमें जो अमाउंट हो चुका है सक्सेसफुली इसमें ऐड होने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे ये दो टिक दिखते हैं, एक ऊपर राइट का और एक नीचे का, यानी जो भी आपका यहाँ पे ट्रेड चल रही है, जो आपकी लाइनिंग चल रही है, ये जो ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको ये चीज़ एक बार ध्यान रखनी है कि जो कैसे ऊपर या नीचे जाएगी या ऊपर नीचे जाएगी वो आपको यहाँ पे कन्फर्म करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि जो नीचे जा रही है और आपको लगता है कि और भी नीचे जाने वाली है, तो आपको यहाँ पे ये इस वाले एरर को, डाउन वाले एरर को क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको जो है यहाँ पे देखना है, और जब भी आपका जो इसमें जो प्रोसेस होता है, जो आपको ऐड करते हो वो दिखता है कि जो प्लेस हो गया आपका ऑर्डर होने के बाद आपको यहाँ पे प्लस में जब भी आपका अमाउंट आता है तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है। मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो भाई, जैसे ये यहाँ पे आप कोई भी जो कुछ चीज़ को आप यहाँ पे सेल करते हो, तो यहाँ पे जो सेल करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही आपका प्लस में आता है, यहाँ पे ये दिख रहा है ना प्लस, अभी जो प्लस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉप ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जो भी जो अमाउंट होगा वो जीत होगा आपका, और यदि माइनस में होता है तो आप रुकना है, थोड़ा वेट करना है, और यदि जो उसमें प्लस में आ जाता है और जब आपका ग्रीन दिखने जाता है तो यहाँ पे आप स्टॉप कर देना है उसको बस। जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको 200 रुपये डायरेक्ट इंस्टेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। देखो भाई, जैसे यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे तो आपको डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे कि 200 रुपये आपको क्रेडिट कर दिए गए, यानी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको 9 बजे तक आपका मंडे के दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये एकदम कन्फर्म है और एकदम सही ऐप्स हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ ऐप रेफर कर रहा हूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही रेफर और अर्न वाले वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नए वीडियो साथ, तो बात जाए वंदे मातरम।